नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम और मैं दुर्गेश सोनी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे नए अपडेट्स आपको तुरंत मिलें। और मैं आपको एक फ़ोन और लेटेस्ट वीवो का लेटेस्ट हैंडफोन की अनलॉकिंग आपको दिखाने वाला हूँ। तो लेटेस्ट हैंडफोन मैं आपको बात करता हूँ, जैसे मैं बात करता हूँ वीवो का है, Y19 फ़ोन है, Y19 ये फ़ोन है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे Y19 फ़ोन है। लेकिन ये भी का लेटेस्ट करेंट फ़ोन है, जो कि इसमें पैटर्न अनलॉक है, किसी यूज़र ने इसका पैटर्न भूल चुके हैं। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे सारी चीज़ें वीवो का ये फ़ोन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये इसे हम अनलॉकिंग करेंगे, जो कि लेटेस्ट हैंडफोन है, इसको हम टूल से ट्राई करेंगे, यूएमटी से नहीं होगा तो मिरेकल से ट्राई करेंगे, जो कि आपके सामने लाइव करने वाले हैं। यूएमटी से होता है तो ठीक है फ्रेंड, नहीं तो इसे हम मिरेकल से करेंगे। और आप देख सकते हैं वीवो का ये Y19 लेटेस्ट हैंडफोन है और इसकी अनलॉकिंग हम आपको दिखाएंगे, जो कि ईजिली आप इसको देख करके देख सकते हैं कर सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो को आप लास्ट तक देखना है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और आपको इजीली पता चलेगा कि इसको कैसे अनलॉक करते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहें और आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने एक फ़ोन देखा वहाँ पे वीवो का एक फ़ोन था Y19, जो कि लेटेस्ट हैंड फोन का है और उसकी हम अनलॉकिंग करेंगे। तो सबसे पहले UMT से ही ट्राई करेंगे, क्योंकि उसमें मीडियाटेक CPU लगा हुआ है। तो मीडियाटेक CPU लगा हुआ है फ्रेंड, तो उसको अनलॉकिंग करेंगे। तो इसीलिए हम अपना UMT का MTK टूल खोल लेते हैं। अगर इससे नहीं होता है, कोई एरर आता है फ्रेंड, तो हम इसे मिरेकल से करेंगे, जो कि मिरेकल वालों ने एक अपडेट दिया है वीवो के लिए, अपडेट मतलब हर एक के लिए अपडेट दिया है। मेटा मोड से आप इसको बहुत अच्छे तरीके से हटा सकते हैं, कोई भी फ़ोन मेटा मोड से भी आप मीडियाटेक का मेटा मोड में आप फ़ोन को हटा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम UMT से ट्राई करेंगे। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और चलिए, तो हम टूल एंड FRP पे आते हैं। देखिए, वीडियो को लेट ना करते हुए हम सारा प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले आपको इसको, मैं फ्रेंड बता दूं, आपको यूनिवर्सल ले लेना, जैसे इसमें अकाउंट और ये सारी चीज़ें दिया भी, आप कुछ मत करिए, आप एक बार ट्राई करिए फ्रेंड्स। आपको फैक्ट्री डायरेक्ट आपको लगाना है मेटा मोड में। तो हम सिंपली इसको एक बार बिना कोई भी मॉडल लिए मैंने उसको कर दिया है। अब इसमें डायरेक्ट हम फ़ोन को कनेक्ट करेंगे, हमने फ़ोन को कनेक्ट कर दिया है। और फ़ोन को आपको प्रॉपर फ्रेंड मैं बता दूँ, फ़ोन को आपको प्रॉपर ऑफ करना है और फ़ोन को कनेक्ट करना है बिना कोई बूट की प्रेस किए हुए। तो मैं फ़ोन को प्रॉपर ऑफ करके, एक बार कनेक्ट नहीं हुआ तो हमें फिर से कनेक्ट करना है। तो मैं फ़ोन को प्रॉपर बंद कर रहा हूँ, बंद करने के बाद फ़ोन को हम कनेक्ट करेंगे बिना कोई बूट की दबाए हुए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने कोई भी बूट की नहीं दबाया हुआ है, फ़ोन हमारा रिबूट टू मोटा मोड में जा रहा है, वेटिंग फॉर फोन मेटा मोड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीलोडर VCOM ड्राइवर भी बना चुका है, रिबूट टू वेटिंग हमारा फ़ोन हो गया है। देखते हैं फ्रेंड्स, अगर ये होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो हम मिरेकल से इसकी इजीली आपको करके दिखाएंगे। तो देखेंगे यहाँ पे अभी रिबूट हो रहा है फ़ोन हमारा, यहाँ पे डिवाइस मैनेजर भी ब्लिंक कर रहा है और ये वेटिंग फॉर मेटा मोड। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एंड्रॉयड और यहाँ पे मेटा मोड हमारा कंप्लीट हो चुका है, डिटेक्ट हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेटा फोन में डिटेक्ट हो चुका है, पोर्ट 61 बना दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से MT6768 यहाँ पे इसका CPU और बहुत ही इजी तरीके से, देखिए इसकी फैक्ट्री रिसेट सक्सेसफुल हो चुका है फ्रेंड। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने फर्स्ट टाइम में ही कोई भी जो कि लेटेस्ट करेंट का हेडफोन है हमें ब्लिंक कर रहा है, चार्जिंग पे आ गया है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया है, ना कोई मॉडल्स लिया, ना कुछ किया। आपको अकाउंट पे असेंट पे हमने सेट किया हुआ था, कोई भी इसको यूनिवर्सल लिया हमने, आप कह सकते हैं तो इसकी बूट की भी ले सकते हैं। पर इसमें वीवो में अभी मॉडल नहीं था, इसलिए हमने डायरेक्ट इसको यूनिवर्सल मेथड से किया है। आप देख सकते हैं आपको कोई भी रिबूट नहीं करना था। यहाँ पे वीवो का मैं देखूँ तो वीवो का Y19 अभी इसमें नहीं है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं Y17 तक है, वाई अभी इसमें 19 नहीं था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लेटेस्ट हैंडफोन था, तो हमने इसको यूनिवर्सल ही किया, इसको यूनिवर्सल ही मान के चलते हैं। एसेंट कोई भी मॉडल होगा तो हमने इस यूनिवर्सल मेथड से किया, कोई भी मॉडल हमने सेलेक्ट नहीं किया फ्रेंड। अब आपको हम देखते हैं कि हमारा फ़ोन फैक्ट्री सेट हुआ कि नहीं हुआ। देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे 100% फैक्ट्री सेट हो गया। तो ये सारी ट्रिकें आपको करनी होती है, क्योंकि हर एक चीज़ वीडियो में आपको देखना होता है और करना होता है फ्रेंड्स। तो चलिए, मैं वीडियो को एक यूनिवर्सल मेथड भी आपको हमने बताया, तो चलिए अब देखते हैं कि हमारा अनलॉकिंग हुआ कि नहीं हुआ फ्रेंड्स। हमने देखिए स्टार्ट कर दिया है, अभी देखते हैं फ्रेंड्स। कोई वीडियो मैं स्किप नहीं बनाता हूँ, इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि अगर UMT से नहीं होता है तो हम इसे फ्रेंड्स करेंगे मिरेकल से। जैसा कि मिरेकल में भी मेटा मोड का एक नया ऑप्शन दिया हुआ है, अभी अपडेट हुआ है 3.6 में। तो ये देखिए, अगर हमारा थोड़ा सा बूट करने में टाइम लग रहा है तो मतलब 110% ये बूटिंग में जा रहा है फ़ोन, तो मतलब हमारी फॉर्मेटिंग 110% हो गई है फ्रेंड्स। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वही मॉडल है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं, फैक्ट्री सेट 110%।
सक्सेसफुली हो चुका है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे वही मॉडल, हमने कोई भी सिलेक्ट नहीं किया, कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, बस फैक्ट्री रीसेट टू मेटा मोड में किया और इसमें आपने देखा ड्राइवर पोर्ट भी बनाया था सारी चीजें। तो ये हमारा फोन बूट कर रहा है फ्रेंड्स, जैसा कि देख सकते हैं फर्स्ट बूटिंग पे है, ये वही फोन है, हमने अभी डाटा केबल से इसको निकाला हुआ है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ईजी तरीके से, जो कि ये वीडियो आपको यहाँ पे देखने को मिल गई फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे वीवो का Y19 ये मॉडल है, लेटेस्ट हैंडफोन है अभी का। तो यहाँ पे बहुत ही इजीली तरीके से कोई भी आपको मॉडल और ब्रांड नहीं सेलेक्ट करना पड़ा फ्रेंड, यही नए नए ट्रिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। एक्सेंट मॉडल होगा जो भी, और यहाँ पे हमने कोई भी मॉडल नहीं लिया तो सेम यूनिवर्सल मेथड बोलते हैं। तो चलिए जब तक बूट हो रहा है फ्रेंड्स, तो इसमें FRP भी लग सकती है, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स इसमें भी FRP लग सकती है क्योंकि केवल फैक्ट्री रिसेट हुआ है। तो ये देखिए हमारा बूट करने में हमारा 110% सक्सेसफुली फोन हमारा यहाँ पे फॉर्मेटिंग हो चुकी है। तो हम इसे नेक्स्ट करेंगे फ्रेंड, नेक्स्ट करने के बाद फिर से इसको इंग्लिश करेंगे। इंग्लिश करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे भी इंडिया लेंगे, इंडिया लेने के बाद एग्री करेंगे फ्रेंड्स। मैं आपको और नीचे तक दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे आपको स्किप करना है फ्रेंड्स। स्किप करने के बाद फ्रेंड्स आपको जाना है मोर में जाना है, एक्सेप्ट करना है, फिर आपको नेक्स्ट करना है, फिर से आपको फ्रेंड्स यहाँ पे स्किप करना है, और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट करना है, और ये यहाँ पे भी स्किप करना है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे फ्रेंड देखेंगे हमारा कम्प्लीटली हो चुका है, तो इसे भी एक बार स्किप करना है। अब ये देखते हैं कि FRP पे है कि नहीं, अगर ये फोन FRP पे होगा तो बैक हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो फोन ऑन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं इसकी FRP होगी तो आई बटन में जाइए या लास्ट के एंड में जाइए तो आपको FRP का हमें आपको वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं फोन हमारा FRP पे है, तो फटाक से हम इसकी FRP हटाएंगे फ्रेंड्स और इस वीडियो में आपको तुरंत दिखाएंगे। बट आपको फ्रेंड्स क्या करना है, आपको इसकी FRP बाईपास देखनी है, FRP बाईपास जो कि 1 से 1.5 मिनट के अंदर बाईपास हो जाएगी। तो इस वीडियो को आप लास्ट एंड तक देखिए, वहां पे आपको लास्ट या आई बटन में आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बहुत कम समय मैंने इसके FRP बाईपास कर ली है, फिर से हम यूज नाउ पे करेंगे और देखेंगे आपकी चुटकी में FRP रिमूव हो गई फ्रेंड। तो बहुत ही चुटकी में यहाँ पे आपको ट्रिक मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आप लास्ट सीजन तक देखेंगे तो इसकी आपको FRP बाईपास की वीडियो भी मिल जाएगी। तो ये दोस्तों वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।